हेलो दोस्तों, मेरे पास है वीवो का Y20G। इसमें गूगल अकाउंट लॉक है। इसके लिए हमें एक दूसरा मोबाइल चाहिए। यह है मेरे पास जेसेक, जो मैं खुद यूज करता हूँ। तो इसके आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, इजी शेयर, EAZY SHARE, इजी शेयर। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने इस मोबाइल में, सैमसंग J6 में, या आपके पास जो भी हो यूज कर रहे हो मोबाइल, आपका पर्सनल मोबाइल हो, उसमें आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है इजी शेयर। फिर जाना है आपको क्रोम में। क्रोम में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है एड्रोम, ADDROME, एड्रोम बायपास। तो यहाँ से हमें एक एप्लीकेशन निकालनी है जिसका नाम है क्विक शॉर्टकट मेकर। तो आपको एड्रोम बायपास पे क्लिक करना है। ये बायपास अकाउंट 2022, और इस पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा आपके सामने। तो इसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको ये मिल जाएगी क्विक शॉर्टकट मेकर APK। तो इसको आपको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना है। ये देखिए, मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया तो ये मेरी जो है ये डाउनलोड होने लगी। और ये भी 3 MB की एप्लीकेशन है, 2 MB की एप्लीकेशन है, ये डाउनलोड हो गई और मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया अपने इस मोबाइल में। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी एप्लीकेशन थी, इजी शेयर और क्विक शॉर्टकट मेकर। आप वीडियो पूरा देखिएगा तो आप इस मोबाइल का FRP बड़ी आसानी से कर लेंगे। और भी वीवो के सभी जो 2020 से 22 के बीच के मॉडल हैं, सभी का FRP इसी तरीके से हो जाएगा, गूगल अकाउंट लॉक बायपास हो जाएगा। क्विक शॉर्टकट मेकर और इजी शेयर, ये दोनों इंस्टॉल हो गए। अब इसको साइड में रख देते हैं। मैंने उसको अभी लॉक कर दिया मोबाइल को। अभी ये है मेरे पास वीवो Y20G। मैं इसको चालू कर लेता हूँ। और आपके पास अगर इस वीवो Y20, Y20A, Y20S, Y20i, वीवो Y51, Y51A, मतलब सीधी बात है, वीवो के जो Y 2020 से लेके अभी तक जो लेटेस्ट मॉडल हैं, 19, 20, 21 जो मोबाइल आए हैं, उनमें अभी जो लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट हुई है, उन सभी में आप इस ट्रिक के जरिए उनका गूगल अकाउंट FRP बायपास कर पाएंगे। 2019, 2020, 2021, 2022 इनमें जो भी मॉडल आए हैं, जो एंड्रॉइड 11, 12 पे रन करते हैं, या उनकी सिक्योरिटी अपडेट हो गई है, उनका गूगल अकाउंट बायपास नहीं हो रहा पहले जैसे हो जाता था, तो आप इस तरीके से कर लेंगे। अभी देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ताला बना आ गया, मतलब इसमें गूगल अकाउंट लॉक है। अब इसमें हमें ये तो मालूम चला गया इसमें गूगल अकाउंट लॉक है। अब इसमें हमें सबसे पहले काम करना है, इसमें वाईफाई से इसको कनेक्ट कर लेना है। सिम अगर डली हो तो सिम निकाल दीजिएगा। ये देखिए, मैंने अपना मोबाइल जो है जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसके वाईफाई कनेक्ट कर लिया है इसको। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद हमें इसका टॉकबैक चालू करना है। और ये देखिए, वाईफाई कनेक्ट हो गई है, ये हो गई। अब हमें इसको टॉकबैक चालू करना है तो वॉल्यूम अप डाउन की को सेम टाइम पे दबा के रखेंगे तो यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा टॉकबैक ऑन का। तो हमें ये टर्न ऑन पे क्लिक कर देना है। अब फिर से यही करना है, वॉल्यूम अप डाउन की को दोबारा एक बार और दबा के रखना है। ये हमने दबा के रखा तो ये देखिए, ये आ गया ऑप्शन इस तरीके से। तो आपको अब कुछ नहीं करना है, उल्टा L बनाना है, उल्टा L। अभी मैं बना के बता देता हूँ। इस तरीके से L बनाएंगे आप तो ये आ जाएगा, वाइल यूजिंग दिस F, इसकी परमिशन आपको दे देना है, माइक की परमिशन मांग रहा है ये। तो दो बार क्लिक करेंगे तब जाके अलाउ होती है। और यहाँ पे यूज वॉइस कमांड पे भी हमें यहाँ पे आना है, दो बार टैप करना है, डबल क्लिक में ये ओके होता है। अब ये स्पीक नाउ का बोल रहा है तो हमें बोलना है गूगल असिस्टेंट, क्या गूगल असिस्टेंट, ये गूगल असिस्टेंट बोलेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है और यहाँ पे हमें सर्च करना है ओपन यूट्यूब, या फिर आप यहाँ से स्पीक करके बोल भी सकते हैं। अभी नहीं आया, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ किस तरीके से करना है। ये अभी नहीं आएगा, ये बैक हो गया, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। अभी ये क्रॉस पे क्लिक कर देता हूँ एक बार, क्योंकि ये फंस गया यहाँ पे। यहाँ पे बोलना है गूगल असिस्टेंट, ये देखिए ये आ गया। तो ये भी अगर खुलता है आपको तो आपको दोबारा से बैक कर देना है, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। अब टॉक बैक ऑन है, उल्टा L बनाएंगे, उल्टा L बनाना है। अभी ये पूरे पे टॉकबैक चालू है तो हमें उल्टा L बनाना था, लेकिन ये अभी काम नहीं कर रहा। मैं दोबारा से उल्टा L बनाता हूँ। ये देखिए, यूज वाइज कमांड, दोबारा से पे डबल टैप करेंगे और बोलेंगे गूगल असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट, यूज वाइज कमांड, गूगल असिस्टेंट।
जैसे गूगल असिस्टेंट बोलेंगे तो इस टाइप का आ जाएगा। यहाँ पे जो ये दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब हमें सर्च करना है ओपन यूट्यूब, गूगल नहीं सॉरी ओपन यूट्यूब, और ये डबल टैप में चलेगा अब अपना। तो जैसे मान लो एक बार आपको कुछ भी लिखना है तो आपको दो बार उस पर क्लिक करना पड़ेगा, जैसे ओ पी ई एन ओपन, ये अगर ओपन यूट्यूब इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो है, और ओपन यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो दो बार क्लिक करना पड़ेगा, तो हमारा जो है यूट्यूब ओपन हो गया। अब हमें टॉकबैक पहले बंद करना है, तो टॉकबैक बंद करने के लिए ये इन दोनों वॉल्यूम अप डाउन की को दबा के रखेंगे सेम टाइम पे, एक साथ दोनों दबाएंगे, देखिएगा टॉकबैक हमारा जो है बंद हो गया। अब दो बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा, सिंगल टाइम में चलेगा। सेटिंग में जाएंगे और अबाउट में जाएंगे, अबाउट में जाने के बाद गूगल प्राइवेसी इस पे जाएंगे, एग्री कर देंगे, तो ये जो है हमारा ये वीवो का ब्राउजर ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमें न्यू टैब ले लेंगे हम, यहाँ पे ये हमारा जो है ब्राउजर ओपन हो गया है। अब यहाँ पे हमें लेना है न्यू टैब, न्यू टैब खोलने, न्यू टैब में हमें सर्च करना है एड्रोम बायपास 2000, एड्रोम बायपास, और जो पहली लिंक आती है गूगल अकाउंट बायपास 2022 उस पर क्लिक कर देना है। ये देखिए ये हमारा हो गया, तो हम यहाँ पे एक और नया टैब खोल लेते हैं, ये यहाँ से गए और ये न्यू टैब खोल लिया। अब यहाँ पे सर्च करेंगे ADDROME एड्रोम बायपास, और ये आ गया एड्रोम बायपास अकाउंट 2022, इस पर क्लिक करेंगे, और ये तीसरे नंबर पे लिखा है जो सेटिंग, सेटिंग वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है, ये लिखा सेटिंग, तो हमारी सेटिंग ओपन हो जाएगी, अलाउ कर देंगे, सेटिंग हमारी जो है ओपन हो गई है। अब अबाउट फोन में आपको दिखा देता हूँ, ये है Y20G एंड्रॉइड 12 वर्जन है इसमें, मैंने आपको पहले बताया Y20 के सभी मॉडल हो जाएंगे, Y51 सीरीज हो जाएगी, Y31 भी हो जाएगी, सब हो जाएंगे इससे, इस तरीके से। सिस्टम पे क्लिक करना है, अब हमें यहाँ पे सिस्टम पे गए और ये है फोन क्लोन, इस पे क्लिक करना है, टिक लगा के परमिशन दे देनी, बस यहाँ पे इस मोबाइल का काम हो गया। दूसरे मोबाइल पे चलते हैं जिसमें हमने वो दो एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी, यहाँ पे न्यू फोन सिलेक्ट करेंगे, एंड्रॉइड और गोइट, परमिशन जो मांगे अलाउ करते जाना है। ये देखिए न्यू फोन, यहाँ पे जो अपना वीवो का है उसमें न्यू फोन सिलेक्ट करना है, और जो अपना दूसरा मोबाइल है उसमें ओल्ड फोन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे भी हमने इजी शेयर ओपन कर लिया, स्टार्ट कर देंगे, इजी शेयर को परमिशन दे दी, फोन क्लोन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओल्ड फोन सिलेक्ट करेंगे। और इसके पहले हमें जो अपने वाईफाई से कनेक्ट है दोनों मोबाइल, तो हमें वाईफाई जो है अपने मोबाइल जो तीसरे मोबाइल से आपने वाईफाई कनेक्ट करके रखी है उसकी वाईफाई बंद कर देनी है। ये देखिए मैंने वाईफाई बंद कर दी, क्योंकि ये मेरे दोनों मोबाइल मेरे तीसरे मोबाइल से कनेक्ट थे, तो जो तीसरा मोबाइल है मेरा जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसकी वाईफाई बंद कर दी। अब यहाँ पे परमिशन मांग रहा है ओल्ड फोन पे, ओल्ड फोन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ गया क्या बारकोड, वीवो में न्यू फोन सिलेक्ट करना है और इसमें करना है ओल्ड फोन, ओल्ड फोन सिलेक्ट करेंगे आप जो है तो ये बारकोड आ जाएगा। ये देखिए कनेक्टिंग हो रही, वीवो में न्यू फोन और जो आपका जिससे आप मैं एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी मेरे पास GSX है उसमें ओल्ड फोन, और ये बारकोड स्कैन करेंगे ये प्रोसेस चलेगी। और ये देखिए बैकअप आ गया इतना 142 MB का है, तो ये सबको अनटिक कर देना है आपको, पूरा नहीं टिक लगा के रखना, अनटिक कर देना है सबको। अभी एप्लीकेशन में जाएगी, एप्लीकेशन मेरे पास 5 एप्लीकेशन है, तो सबको अनटिक कर देंगे, सिर्फ ये क्विक शॉर्टकट मेकर ये देखिए को टिक रहने देना है, सबको अनटिक कर देना है, क्विक शॉर्टकट मेकर को टिक रहने देना है और क्लोन पे क्लिक कर देंगे, जो पासवर्ड मांगेगा तो आपकी एप्लीकेशन जो है इस मोबाइल से अपने वीवो के मोबाइल में आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। ये देखिए ये एप्लीकेशन है जो यहाँ पे हो गई, अब यहाँ पे वो गई कहाँ पे, ती ऊपर साइड जो कोना था वहां पे गई एप्लीकेशन, आप इसको दोबारा देख लीजिएगा, जो अपन ने जहां से वो क्लोन हो गई उसके बाद ऊपर जो ऑप्शन बना था कोने पे वहां पे ये बना है जो घड़ी टाइप की, वहां पे क्लिक किया तब जाके एप्लीकेशन हमारी दिखी और उसको हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, तो हमें यहाँ पे सर्च करना है सबसे ऊपर टेस्ट, फैक्ट्री टेस्ट सर्च किया और ये देखिए तीसरे नंबर पे लिखा है इंजीनियरिंग टेस्ट, इस पे क्लिक किया और ये लिखा ट्राई नाउ, अब ये आ गया, तो हमें मतलब हमारा काम हो गया 100%। अब हमें जाना है तीसरे नंबर पे, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तीसरे नंबर पे जाना है टेस्ट 3 पे, राइट तरफ पहले कोने में यहाँ पे गए और बैक टू होम,
और इंस्टलाइज टू इंग्लिश, इस पे क्लिक करेंगे और आपका FRP डन। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, लेकिन मैंने डिटेल में वीडियो बनाई इसलिए, नहीं तो मैं फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकता था, लेकिन फास्ट फॉरवर्ड नहीं की क्योंकि ताकि आपको समझ में आए। हमारा बायपास हो गया है। थैंक यू।